How are you all? I hope you all are well at home. बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट फर्स्ट है वन पार्ट एक पार्ट एक भाषा लिपि बोली और व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। पहले आपको भाषा की परिभाषा बताई जाएगी। बेटा भाषा की परिभाषा जिन माध्यमों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या मन के भावों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। जिन माध्यमों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या मन के भावों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के बेटा दो रूप हैं आगे। फर्स्ट है मौखिक रूप एंड द सेकंड वन इज लिखित रूप। फर्स्ट वन इज मौखिक रूप एंड द सेकंड वन इज लिखित रूप। मौखिक रूप में बेटा क्या है, जब व्यक्ति अपनी बात बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। मौखिक रूप में क्या है बेटा, जब एक व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। एंड द सेकंड वन इज लिखित रूप, जब व्यक्ति लिखकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपने मन की बात कोई भी लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉपिक लिपि। लिपि में क्या है बेटा, भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज बोली। बेटा बोली में क्या है, सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। बेटा बोलियां भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे भोजपुरी बोली, बुंदेली बोली, अंगिका और ऐसी और भी होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है बेटा व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप में बोलना पढ़ना और लिखना सिखाता है, वह भाषा को शुद्ध करता है। अगर उसमें गलतियां होंगी तो हम समझेंगे कैसे, तो इसीलिए व्याकरण है जो वो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना पढ़ना और हमें वो लिखना सिखाता है। उसका व्याकरण के अंग बेटा, व्याकरण के तीन अंग होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ण विचार एंड सेकेंड वन इज शब्द विचार एंड थर्ड वन इज वाक्य विचार। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, सेकेंड वन इज शब्द विचार एंड थर्ड वन इज वाक्य विचार। बेटा ये है आपके फर्स्ट लेसन के टॉपिक, ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से और एक बार आपको रीड करके पूरा लेसन आप देखिएगा और इसको समझिएगा।